शिवपुरी में सोमवार को जिला अस्पताल में आरक्षक से बदसलूकी कर जबरन बाइक परिसर में ले जाने वाले युवक की पुलिस ने तलाश कर ली है। पुलिस ने उसे थाने बुलाकर उससे 1,000 रुपए का चालान भरवाया। पूरा मामला यह है कि शिवपुरी शहर के लुधावली में रहने वाले अजय ने सोमवार को नियम कानून ताक पर रखकर जिला अस्पताल में जबरन अपनी बाइक घुसाई थी। इसके बाद जब आरक्षक ने बाइक हटाने को कहा तो आरक्षकों को धमकाते हुए वो अपनी बाइक छुड़ा ले गया। वहीं जब तक इस पूरी घटना का वीडियो बनकर वायरल हो गया, उसके बाद रणवीर सिंह यादव सूबेदार ने तत्परता के साथ न सिर्फ युवक और उसके घर की तलाश की बल्कि उसे यातायात थाने बुलाकर उसका 1,000 रुपए का चालान भी काटा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हाथ नहीं लगना चाहिए गाड़ी से, अभी तुम जानते नहीं है कैसा मुझे अच्छे तरीके से जान जाओगे। धमकी क्यों दे रहे हो यार? तुम मुझे धमकी दे रहे हो ना? अरे हमने बात कर दी, वही कहा मुझे धमकी दे रहे हो ना? क्या धमकी दी? मारेंगे सारे लोग। क्यों मारेंगे? है ना, मारने की तो बात ही नहीं। नाम बताओ अपना। जेरा नाम, जेरा नाम, नाम मुंह से जेरा बताओ। जेरा नाम, नाम मुंह से बोल बताओ ना। इसलिए होते नाम लगा लिया। नाम मुंह से बोल के बताओ। कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास कर लिया? ये कल 4 तारीख की घटना है, 1 बजे जिला अस्पताल पे हमारा आरक्षक ड्यूटी कर रहा था पवन कुमार, उसी दौरान ये लड़का है अजय गोस्वामी जो धावली का रहने वाला है, ये अपनी बाइक पे आता है और बहसबाजी करने लगता है ट्रैफिक कर्मी के साथ, जबरदस्ती अंदर भी जाने की कोशिश करता है और वो अंदर भी जबरदस्ती चला जाता है। उसके बाद ट्रैफिक कर्मी द्वारा उसको वापस से अस्पताल के बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें वो उससे बदतमीजी करता है। इसका आप लोगों ने देखा, वो वीडियो वायरल भी हुआ है। उसके बाद आज उसको गाड़ी को जब्त कर थाने लेके आए और उसकी, क्योंकि वो बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था तो उस पर व्यक्ति की धारा में चलाने के 1,000 रुपये जुर्माना भी किया है और उसके माफ़ीनामा में उसने लिख के दिया है कि भविष्य में वो इसी तरह की घटना ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा और इसे जुर्माना करके छोड़ दिया। सर, जैसे कि आरक्षक पे एक वायरलेस भी होता है, जैसे ये एक मामला जो सामने आया था, तो क्या आपको उसने जानकारी उस समय नहीं दी थी? नहीं, उसने बता रहे थे कॉल किया होगा, कभी कभी क्या होता है कि कॉल नहीं सुन पाते हैं, थाने को बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिस कारण हम तक सूचना नहीं मिल पाई थी। फिर उनको सबको बता दिया गया कि ऐसे कोई कभी घटना हो तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। और मैं एक संदेश देना और भी चाहूँगा कि शहरवासियों के लिए कि आप एक तो पुलिसकर्मी के साथ बहसबाजी ना करें, वो भी ड्यूटी खतरा है, और फिर चाहे आप कोई हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बहसबाजी करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो सबके खिलाफ कार्रवाई जो है ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।